खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 14 जुलाई है और दिन है गुरुवार। सरसों का बाजार थोड़ा संभलता है, फिर वापसी की तरफ लुढ़क जाता है। इसी तरह से जो खाद्य तेलों के बाजार हैं उनमें भी फेरबदल दिखाई देता है, लेकिन कुछ एक जो तेल ऐसे हैं जैसे मूंगफली का तेल है, बिनोला का तेल है या सरसों का तेल है, इनमें कोई बहुत बड़ी घटबढ़ नहीं हो रही है, कोई बड़ी गिरावट नहीं आ रही है, कोई बड़ी तेजी नहीं आ रही है। एक बार स्टेबिलिटी का सा भाव है, लेकिन सरसों के बाजार में अब आगे क्या होने वाला है इस पर थोड़ी सी बात कर लें। सरसों में अब ऐसा लगता है कि रिकवरी तो जरूर आएगी, बिल्कुल वापस बाजार 7000 के आसपास, जैसे आज 6925 रुपए के आसपास बोला गया, कल 6850 रुपए तक पहुंच गया था बाजार जयपुर का। आज 6925-50 रुपए तक दिखाई दे रहा है, यानी 75 रुपए से लेकर के 100 रुपए तक सुधार हुआ है। उधर दूसरी तरफ जो भरतपुर का बाजार है वो 60-70 रुपए जो रिकवर हुआ था दो दिन पहले, वो आज 60-70 रुपए वापसी लुढ़क गया, यानी भाव रह गया है वहां पर 6451 रुपए, 6,450 रुपए आप कह सकते हैं। इसी तरह से जो दूसरी मंडियां हैं उनके अंदर भी कहीं 25 रुपए का प्लस है तो कहीं 50 रुपए का माइनस है, कहीं घाटा भी है। लेकिन अब जो जिस तरह से बाजार चल रहा है उसमें ये जो सरसों की उपलब्धता हम रोज कह रहे हैं कि कम हो रही है, आवक भी कम होती है, 2 लाख गट्टे से आज आवक और थोड़ी कम हुई है, लेकिन बाजार क्यों नहीं चल रहा है? बाजार इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि जो तेल का जो व्यापारी है, तेल का जो कारोबार करने वाले लोग हैं, वे विदेशी तेलों के व्यवहार से बहुत आहत हैं, बहुत हैरान हैं, बहुत सकते में हैं। इतनी बुरी तरह से बाजार गिराया जा रहा है कि ऐसा लगता है कि अब तेल के व्यापार करने वाले लोगों के लिए अपनी रोजी रोटी बचाना संकट का सामना करने जैसा है। कई बहुत से ऐसे तेल व्यापारी हैं जो बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और उन्हें अब आगे रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। सरकार कभी तो ये कहती है कि हमें तिलहन की खेती को बढ़ावा देना है, और तिलहन की खेती को बढ़ावा तो तब मिलेगा जब तिलहन के भाव मिलेंगे। किसान को जो पिछले साल भाव मिले थे सरसों के, वो भाव भी अभी तक नहीं पहुँचे हैं। तो आप ये बताइए कि अगर मान लीजिए इस साल अगर ये 7000 का भाव ही रह गया जयपुर के आसपास का, तो क्या अगली साल सरसों गलियों में पैरों में नहीं रुलती फिरेगी? क्या होगा सरसों का, कैसे खपत बढ़ेगी? और जो सोयाबीन का बाजार है वो तो बुरी तरह से तहस नहस हुआ पड़ा है, इसलिए सोयाबीन की और प्रमुख रूप से हमारे पास सरसों की यही दो प्रमुख खेती है तिलहन में। दूसरी खेती भी है, मूंगफली है, तिल है और दूसरी चीज़ें हैं, कैस्टर है, लेकिन इनकी बड़ी भूमिका है। जब इनकी खेती घट कम हो जाएगी या इनका इनका भाव नहीं मिलेगा तो खेती अपने आप कम हो जाएगी, और खेती कम हो जाएगी तो तिलहन को बढ़ावा देने वाले जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं उनका क्या होगा? सरकार को आयातित तेलों पर जो टैक्स लगता था उसको बहाल रखना चाहिए और बाजार के अंदर विदेशी तेलों का ज़्यादा प्रवेश नहीं होने देना चाहिए। शायद तिलहन के बाजार को मजबूती देनी है तो तिलहन के भाव को सुधारना होगा, तिलहन के भाव को सुधारे बगैर बाजार चलेगा नहीं। लेकिन सरसों के अंदर फिलहाल घबराहट की कोई पोजीशन नहीं है, आप थोड़ा धैर्य रखिए क्योंकि बाजार जो दूसरे तेलों का बाजार जो प्रभावित हो रहा है उससे ये सरसों का बाजार के साथ ये हलचल ऐसी हो रही है, लेकिन न तो बड़ी गिरावट है और न ही बड़ी तेजी है। बहुत जल्दी में बहुत बड़ी तेजी नहीं आएगी, अब थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन सरसों रिकवर होकर के सुधर के बाजार चलेगा आगे। आइए कुछ मंडियों के भाव देख लेते हैं। भरतपुर का भाव है आज 6451 रुपये, जयपुर 6950 रुपये, दिल्ली 6550 रुपये, सुमेरपुर 6720 रुपये, एलाहाबाद 6200 रुपये, अलवर 6600, गंगानगर 6431, खैरथल 6525, संगरिया 6300, निवई मंडी 6875, सिरसा 6080, टोंक 6855, आदमपुर 6300, कोटा 6300, हापुड़ 6700, मुरैना मंडी 6450, खेरली 6575, गंगापुर 6500, ग्वालियर 6300, बरवाला 6250 और धौलपुर भी 6250। कॉटन में आज चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कॉटन की उपलब्धता बिल्कुल समाप्त जैसी हो गई है, मंडियों में आवक नहीं है तो भाव भी लगभग नहीं है। वैसे अगर ऑफ भाव की बात करें तो 96-97 रुपए का भाव हरियाणा की मंडियों में दिखाई दे रहा है। नमस्कार।